नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए बादाम के सेवन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि बच्चों को बादाम कब से देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और आप अपने बच्चों को बादाम देते हैं तो इससे आपके बच्चे को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, फिट रहे, उनका दिमाग तेज रहे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के खाने पीने पर ध्यान दें। और दोस्तों, फिट रहने की बात आती है तो उनमें सबसे आगे रहता है सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन भी होता है, यह बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, बड़ों के लिए सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। और एक सबसे मुख्य ड्राई फ्रूट है जो कि है बादाम, जो कि प्रोटीन और फाइबर का मुख्य स्रोत है, और इससे आपके बच्चे को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि बच्चे को बादाम कब से देना चाहिए। दोस्तों, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा रहता है तो आपको उसको बादाम नहीं देना चाहिए। और नॉर्मली हम जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है वो खाना देना शुरू करते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आप कोशिश करें कि आप 1 महीने तक बादाम ना दें। लेकिन जब आपका बच्चा 7 या फिर 8 महीने का हो जाता है तब आपको बच्चे को बादाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से बादाम दोगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा उसे पचा ना पाए, क्योंकि बच्चे का पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता। तो स्टार्टिंग में बहुत ही हल्की चीज़ें दी जाती है खाने के लिए, लेकिन जब आपका बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तो आप उसके बाद अपने बच्चे को बादाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो बादाम लेके आ रहे हो उन पर कोई कोटिंग ना हो, क्योंकि बहुत सारे कोटिंग वाले बादाम मिलते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक बादाम लेके आना है और उसे ही अपने बच्चे को देना है। बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को बादाम कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो जब आप बच्चे को बादाम देना शुरू करती हैं यानी कि स्टार्टिंग में आपको आधा बादाम अपने बच्चों को देना है, और अगर आपका बच्चा 1 साल से कम का है तो आधा बादाम ही दीजिए, और जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है तब आप उसको डेली 1 बादाम दे सकते हैं। और जैसे जैसे आपका बच्चे की उम्र बढ़ती है, 2 साल का होता है तो आप उसे 2 बादाम भी दे सकते हैं, और जब आपका बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो आप उसे 3-4 बादाम, 5 बादाम भी दे सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बच्चों को बादाम देने का सही समय क्या है, यानी कि आप किस समय अपने बच्चे को बादाम दे सकते हैं। तो नॉर्मली बादाम खाने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, अच्छे से चबाने लग जाता है, खाने लग जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रात में बादाम को पानी में डाल दीजिए, सुबह उठ के छिलका उतार के अपने बच्चे को दे दीजिए, वो आराम से खा लेंगे और उनको बादाम को पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन जब आपका बच्चा बहुत छोटा रहता है तब आपका बच्चा चबा नहीं पाता, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा बादाम लेके उसको रोस्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद उसका पाउडर बना लेना चाहिए, और जब भी आप अपने बच्चे को खाने के लिए देते हैं आप उसमें थोड़ा सा बादाम डाल के उसको दे सकते हैं, मतलब कि आधा बादाम का पाउडर अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप प्योरी में दे सकते हैं, दूध में डाल के दे सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है आप उस हिसाब से अपने बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि बादाम थोड़ा गर्म होता है, तो आपको क्या करना है, गर्मी के मौसम में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो पानी में डाल के ही बच्चे को दीजिए, लेकिन सर्दी का मौसम है तो आप बच्चे को बादाम वैसे भी दे सकते हैं, फ़ायदा करेगा, लेकिन बच्चा छोटा है तो आप पाउडर बना के ही दीजिए, और डेली आधा बादाम का पाउडर ही दीजिए, उससे ज़्यादा ना दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं बादाम के फ़ायदे के बारे में। तो बादाम से वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इससे आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ होता है। दोस्तों, बादाम खाने से याददाश्त भी तेज़ होती है, और यदि आप बादाम को दूध में मिलाकर अपने बच्चे को देंगे तो इससे बादाम की पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में यदि आप बच्चे को बादाम वाला दूध देते हैं तो इससे आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा सर्दी को सहने की शक्ति भी आपके बच्चे को प्रदान करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए सबसे पहला फ़ायदा जानते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है तेज़ दिमाग। दोस्तों, बादाम में प्रोटीन होने से यह दिमाग की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है, याददाश्त तेज करता है और दिमागी ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा यह बच्चों के ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और इनकी सोचने समझने की शक्ति को उत्तम बनाता है। दूसरा फ़ायदा है, हड्डियों को मजबूत करता है। दोस्तों, बादाम वाला दूध पीने से बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इस मिश्रण में बच्चे को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की वजह से हड्डियों में कैल्शियम आसानी से पहुंच जाता है। बादाम वाला दूध पीने से बच्चे में अर्थराइट्स और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। और तीसरा फायदा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। तो सर्दी के मौसम में बच्चे को बहुत ही आसानी से सर्दी, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यदि आप बच्चे को बादाम वाला दूध देती हैं
बादाम का सेवन कराती हैं तो आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वो बहुत ही आसानी से सर्दी, जुकाम और खांसी से बच जाते हैं। अब नेक्स्ट फ़ायदे की बात करें तो यह आपके बच्चे की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बादाम वाले दूध में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो आँखों के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बादाम खाने से आपके बच्चों की आँखों की समस्या भी कम होती है, उनकी आँखों की रोशनी भी तेज होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फ़ायदा है वह त्वचा को स्वस्थ बनाता है। बादाम में विटामिन ई होता है जो कि आपके बच्चे को त्वचा के रोग से मुक्त करता है और आपके बच्चे की स्किन को स्वस्थ बनाता है। यह त्वचा में नमी बनाए रखता है। दोस्तों, बच्चों के लिए ही नहीं, जो बड़े लोग होते हैं वो भी यदि बादाम का सेवन करते हैं तो उनकी स्किन भी अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों को बादाम देने से बच्चों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, रक्त का संचार भी ठीक रहता है। तो ये थे बच्चों के लिए बादाम खाने के फायदे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को अधिक मात्रा में बादाम ना दें क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है, तो ज़्यादा बादाम देना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए बादाम का सेवन लिमिट मात्रा में ही कराइए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।